CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक इब्तदाई उर्दू के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम नादान कछुआ। एक तालाब का पानी आईने की तरह साफ और शफाफ था। वहां दो बगुले और एक कछुआ रहता था। तीनों में बेहद दोस्ती थी, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। अचानक उनकी दोस्ती को जमाने की नजर लग गई, यानी तालाब रोज बरोज खुश्क होने लगा, जिसकी वजह से बगलों को परेशानी होने लगी, क्योंकि वो इसी तालाब के पानी से अपनी ग़िज़ा हासिल करते थे। जब उन्होंने देखा कि पानी के बगैर जीना मुहाल है, तो मजबूरन उस तालाब को छोड़कर कहीं और जाने का इरादा किया। जाने से पहले बगले गमगीन दिल और भीगी आंखों के साथ कछुए के पास आए और उससे रुखसत चाही। कछुआ भी उनकी जुदाई के ख्याल से रो पड़ा और बोला, तुम ये कैसी खबर सुना रहे हो? मैं तुम्हारे बगैर कैसे जी सकूंगा? तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त ना होगी और मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। हमारा दिल भी तुम्हारी जुदाई के ख्याल से बैठा जा रहा है। मजबूरी ये है कि पानी के बगैर हमारा जीना मुश्किल है, इस वजह से हमने परदेश जाने का इरादा कर लिया है। दोस्तों, तुम जानते हो कि पानी की कमी मुझे तुमसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है और मेरी भी गुजर बसर पानी के बगैर नामुमकिन है। दोस्ती का तकाजा ये है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं इस वीराने में तन्हा कहाँ रहूँगा। प्यारे दोस्त, तुम्हारी जुदाई हमारे लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त होगी। हम जहाँ भी रहेंगे तुम्हारे बगैर खुश नहीं रह सकेंगे, हर वक्त तुम्हें याद करते रहेंगे। मगर क्या करें, हमारा दूर तक ज़मीन पर चलना और तुम्हारा हमारे साथ हवा में उड़ना दोनों नामुमकिन है, फिर हमारा तुम्हारा साथ कैसे हो सकता है? इसकी कोई तदबीर सोचो, मेरे जहन में तो कोई बात नहीं आती। इसकी एक तरकीब है, लेकिन शायद तुम नहीं कर पाओगे। ये कैसे मुमकिन है कि तुम मेरे लिए कोई तदबीर सोचो और मैं उस पर अमल न करूं? हम तुम्हें हवा में उठाकर उड़ सकते हैं, शर्त यह है कि तुम किसी भी हालत में बात नहीं करोगे। हर शख्स जिसकी नज़र हम पर पड़ेगी हमारे बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर कहेगा। तुम कैसी ही बात क्यों ना सुनो और कैसी ही हरकत क्यों ना देखो, अपना मुंह बंद रखना और अच्छी बुरी कोई बात ज़बान से ना निकालना। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर, मैं रास्ते में बिल्कुल मुंह ना खोलूंगा। बगले एक पतली और लंबी सी लकड़ी लाए। कछुए ने उसे दरमियान में मजबूती से अपने दांतों में पकड़ लिया। बगलों ने दोनों जानिब से उस लकड़ी को अपनी अपनी चोंच में ले लिया। जब बुलंदी पर उड़ते हुए उनका गुजर एक गांव के ऊपर से हुआ, तो लोग इस मंजर को ताज्जुब से देखने लगे और चीखने लगे, अरे देखो देखो, वो दूर आसमान में कछुआ। अरे हाँ, अरे बगुले ना कछुआ को उड़ा के लेके जा रहा है। हाँ, देखो ना कछुआ कैसे डंडी पर लटका हुआ है। सब तरह तरह के फिक्रे चुस्त करने लगे। कछुआ ये सब देखकर कुछ देर तक तो खामोश रहा, आखिर उससे रहा ना गया, झल्ला कर बोला, जिनसे देखा नहीं जाता अपनी आंखें बंद कर लें। जैसे ही उसने मुंह खोला, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा। बगलों ने आवाज दी, दोस्तों का काम नसीहत करना है और नेक बख्तों का काम उस पर अमल करना।
लफ्ज और मानी, शफाफ साफ सुथरा, मुहाल मुश्किल, रुखसत चाहना कहीं जाने की इजाजत लेना, तदबीर तरकीब, नेक बख्त खुश किस्मत भला आदमी, बर्दाश्त ना होना सहा ना जाना, झल्लाना गुस्से में आ जाना। गौर कीजिए, अगर कोई हमदर्द नसीहत करे तो उसे गौर से सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। नादान कछुआ। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर मोहम्मद मुअज्जमुद्दीन, ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शमाइला परवेज और परवेज गौहर, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, परामर्श विमलेश चौधरी, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।